आज से दिवाली की शुरुआत हो रही है। वैसे में गुजरात का आर्थिक पाटनगर सूरत को माना जाता है। अलग अलग राज्यों से लोग रोजी रोटी की तलाश में सूरत पहुंचे थे, मगर आज से जब दिवाली शुरू हो रही है तो लोगों को अपने गांव जाना, अपने रिश्तेदारों से दिवाली करनी है। वैसे में रिजर्वेशन ना मिलने के चलते और ख़ास करके सूरत रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म का रिपेयरिंग होने के चलते लोगों की बड़ी मात्रा पहुँची है सूरत की उधना रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हो पब्लिक के हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद उत्तर प्रदेश और यूपी बिहार जाने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। ये लोग जो खड़े हो जनरल टिकट लेके आए हुए हैं, करीबन एक ट्रेन में 5 जनरल कोच है। वैसे में लोग जिस तरह से पहुंचे, 50,000 लोग है प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक है रेलवे स्टेशन के कंपाउंड में और ख़ास करके रेलवे स्टेशन के पास 2 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिल रही है। जिस तरह से पब्लिक पहुँची है, रेलवे पुलिस हो, लोकल पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, सभी को कंट्रोल करने के लिए रखा गया है। मगर जिस तरह से ट्रेनों की संख्या कम है, लोगों को गांव जाना है, उसके चलते लोगों की मुश्किलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लोगों को लाइन में ले जाने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है और लगातार आने वाले 3 दिन तक इस तरह के माहौल और इस तरह के दृश्य देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन भरत ब्रह्मपट के साथ कीर्तेश पटेल, न्यूज 18 नेटवर्क, सूरत।